सबसे पहले नमस्ते आप लोगों को। आज मैं नागपुर रोड में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का शोरूम है, ऑटो का। जैसे कि आप लोग पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान होते हो, तो आज हमारे साथ एक भाई है, इनका नाम जानते हैं हम, और इलेक्ट्रिक जो ऑटो है उसके बेनिफिट्स हम जानेंगे। चलिए हम जानते हैं और ये कितने कीमत में हमें मिल सकते हैं और उनसे क्या क्या फ़ायदे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश उइके है, मैं धनशी मोटर से हूँ, मैं यहाँ का सेल्समैन हूँ। मैं आपको अपनी गाड़ियों के बारे में डिटेल देना चाहता हूँ, उसके बाद में अपन सब कुछ बताएंगे आपको, कितना वेट लेती है, कितना चलती है, कितना रन देती है, आपका कितना कॉस्ट बचाएगी और कितना क्या आपको पड़ेगा इसके बारे में, और प्राइस आपको लास्ट में बताएंगे हम। चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं गाड़ी के बारे में डिटेल्स। तो दोस्तों, ये अपनी गाड़ी पड़ती है आपको रेंज प्लस, ये फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर में आती है ये गाड़ियाँ आपको। ये इसमें आपको ओमेगा का लोगो मिल जाएगा, ओमेगा सिक्की मोबिलिटी इसका नाम है इस गाड़ी का। ये आपको नॉर्मली आपको जैसे आपकी डीजल पेट्रोल गाड़ियाँ मिलती होंगी, सेम वही गाड़ी आपको दिखेगी ये गाड़ी। आपको 4-50-10 के आपके टायर मिल जाएंगे फुल्ली, और आपको फाइबर देख सकते हो आप इसका कितना वो है, और फुल्ली मेटल बॉडी है आपकी, जैसे आप देख सकते हो बिल्कुल। आपको साइड मिरर्स मिल जाएंगे इसमें, इसमें आपको OSM का लोगो मिल जाएगा वापस से। ये आपका डोर मिल जाएगा आपको इस तरह के तरीके से। इसमें आप देख सकते हो कि जो अपनी मेन सीट होती है जैसे डीजल ऑटोज में होती है, डीजल में आप देखते होंगे इसमें सिर्फ आपको एक पैसेंजर के लिए या फिर एक ड्राइवर के लिए आपको जगह मिलती होगी, लेकिन इसमें आपको आराम से आपसे इसमें 3 लोग आ सकते हैं, मतलब कि ज़्यादा बड़ी आपको सीट मिलेगी इसमें आपको। और जैसे आप देख सकते हो आगे, इसमें आपको कोई डीजल से रिलेटेड नहीं मिलेगा, जैसे कि अपन को क्लच वगैरह की दिक्कत होती है, जैसे आजकल देख रहे होंगे क्लच प्लेट्स वगैरह आपकी टूटती होंगी, तो इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आपको सिर्फ इसमें हैंड ब्रेक दिया होगा, आपको ब्रेक सिस्टम दिया है आपको इसमें, और ये एक्सीलेटर है आपके लिए बस। इसमें आपको जैसे कि अपन ने गाड़ी स्टार्ट की, नॉर्मली गाड़ी जैसे अपन स्कूटी चलाते वगैरह उस टाइप से आपको ये मिल जाएगी। ये आपने गाड़ी की इग्निशन ऑन किया चाबी से, ये आपका मीटर दिखा दिया यहाँ पे। ये इसमें आपको 100% बैटरी शो कर रही है, यहाँ पे आपको बैटरी शो करेगी आपकी कितने किलोमीटर चलेगी, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो। इसमें आपको शो करेगा कि आपकी कितने किलोमीटर चली है गाड़ी, रनिंग कितनी गाड़ी हुई है, ठीक है। और इसमें आपको वो स्पीड का पता चलेगा, इसमें स्पीड आपको मिलती है, मैक्सिमम स्पीड मिलती है इसकी 45 की स्पीड मिलती है इसमें आपको। फिर आपको इसमें ट्रिप मिल जाएगा, ट्रिप मीटर, मतलब एक बार में आपने कितना चले हो बंद करके ऑफ करके। तो इसमें आपको ये N का साइन दिख रहा होगा, N मतलब होता है न्यूट्रल, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ये इसमें आपको गियर सिस्टम अपने बटन्स में दिया हुआ है, जैसे ये न्यूट्रल हो गया, ये रिवर्स का हो गया, ठीक है, ये आपको आगे बढ़ने के लिए फॉरवर्ड का हो गया, ये बूस्ट का हो गया। ये बूस्ट एक ऐसा ऑप्शन है अपने पास में, जैसे कि अपन पेट्रोल गाड़ी में जैसे करते हैं ना कि अपनी गाड़ी अपनी घाट में चल रही है या ज़्यादा लोड है अपने, इसमें घाट में चढ़ नहीं पाती है, तो उसमें ऐसा होता है कि आपका लोडिंग क्षमता वो कम हो जाती है, तो अपन गियर जैसे डाउन करते हैं ना, उस प्रकार से अपने ये बूस्ट का ऑप्शन रहता है। बूस्ट मतलब कि पावर जनरेट करना, तो पावर जनरेट करके आपकी गाड़ी को आपकी घाट में आराम से आपकी गाड़ी आगे कर देगी उस गाड़ी को, तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी उसमें। फिर आप इसका देख सकते हो, इसमें आपको हैजार्ड का वो ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, लाइट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे इसके, ये वाइपर का ऑप्शन है इसमें आपको, ठीक है। फिर इसमें ये आपको हॉर्न आपका साउंड सुन सकते हो, इसमें लाइट का इंडिकेटर्स वगैरह आपको इसमें मिल जाएंगे, और स्पेस काफ़ी अच्छा है इसमें। ये बॉटल्स रखने के लिए आपको लाइट्स मिल जाएंगे इसमें अंदर, आपको इसमें आपको मिल जाएगा, और ये आपको इस प्रकार से इसको आपका फास्ट चार्जिंग का चार्जर मिल जाएगा, इसमें साथ में इनबिल्ट होता है ये चार्जर, आपको अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। ये भी वारंटी के अंदर में आता है, वो आगे बताऊंगा आपको किस चीज़ की क्या क्या वारंटीज है इसमें। तो और इसमें अपने को स्टेपनी मिल जाएगी आपकी, सेम वही मिल जाएगा आपको, जैक मिल जाएगा इसमें, ये सब कुछ आपको इनबिल्ट रहता है उसी में। इसमें आपको कुछ अलग से पैसे देने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको इसमें। आप इस साइड आ जाइए, जैसे कि आप देख सकते हो, आपको लाइट देख सकते हो आप इसका, काफ़ी मतलब कि अच्छा है इसमें। फिर आपको इधर आपको स्पेस दिखाता हूँ इस गाड़ी में अपने, ये देख सकते हो आप इसमें आराम से आपका कितना ज़्यादा सामान आ सकता है इस कॉस्ट में आपका। तो नीचे की बात की जाए तो ये इसमें आपको ये मिल जाएगी, ये आपको मोटर मिल जाएगी इस चीज़ इसकी, और बीच में आपको इसकी बैटरी मिल जाएगी, ठीक है, और आपको साइड में कंट्रोलर मिल जाएगा। आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा हूँ, मैं आपको दूसरी गाड़ी दिखाता हूँ एक बार। स्टार्ट,
ये आपको एक्जीकॉम की इस तरह से बैटरी मिल जाएगी अपनी इस गाड़ी इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों में। ये आपका कंट्रोलर हो जाएगा और ये आपकी मोटर्स हो जाएगी। इसमें वीरिया का क्या है, सारे प्रोडक्ट आपके वीरिया से टाई अप है अपना, तो वीरिया के आपके इसमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे इसमें आपको। और फायदे की बात की जाए तो मैं इसमें बताना चाहूँगा आपको कि जैसे अपना डीजल गाड़ी अपन चलाते हैं तो उसमें अपनी कॉस्ट आती है 1 किलोमीटर में तकरीबन तकरीबन 3 से 4 रुपये की कॉस्ट आती है। लेकिन जो अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो कॉस्ट तो इसमें भी लगनी है, ऐसी बात नहीं है कि इसमें कॉस्ट नहीं लगेगी, लेकिन इसमें कम लगेगी। जैसे अपन ने इसमें लगती है आपको 5 से 6 यूनिट लगती है आपको एक बार की चार्जिंग करने में, तो उसका कॉस्ट हुआ मतलब कि आपका 70 पैसे, 60 से 70 पैसे, आपका 1 किलोमीटर में आपका 60 से 70 पैसा लगेगा। अब आप इसी के हिसाब से आप जोड़ सकते हो कि आपका पेट्रोल और डीजल गाड़ी में कितना पेट्रोल लग रहा है, गाड़ी में पैसा लग रहा है आपका कॉस्ट, और इसमें कितना लग रहा है। तो आपकी इसकी इंस्टॉलमेंट आएगी करीब तकरीबन तकरीबन इसकी 13,000 के आसपास में इसकी इंस्टॉलमेंट आती है इसमें, और ये पड़ेगा आपको 4,71,000 रुपये में आपको मात्र पड़ेगा, ये 4,71,000 रुपये में। और अपने पास में जो अलग अलग गाड़ी के वेराइटीज़ हैं ये पड़ जाएगा आपको 4,51,000 रुपये में, ये गाड़ी आपको पड़ जाएगी। ये 125 किलोमीटर की रनिंग देती है एक बार की चार्ज में, 3 से 3.5 घंटे में आपकी फुल्ली चार्ज हो जाती है गाड़ी और चलने के लिए तैयार हो जाती है गाड़ी। और इसका एक वेट है, इसमें आप वेट रख सकते हो 800 किलो तक का आप इसमें वेट रख सकते हो, इसमें आप 800 से 1 टन का आप वेट लेके चल सकते हो इसमें आराम से। और अगर आप पेट्रोल की इन झंझटों से मुक्त होना चाहते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहते हैं तो आप हमारे शोरूम आ सकते हैं, धनशी मोटर्स चंदन गांव महाजन लॉन 2 के सामने है अपना शोरूम ये। और आपको नंबर हम स्क्रीन में आपको शो कर देंगे अपना नंबर, कांटेक्ट कीजिए आप हमें और आइए आप हमारे शोरूम। धन्यवाद आपका।